अच्छा जी, रशिया यूक्रेन अपडेट्स आ जिहदे च कि ग्रेन डील नूं बहाल नहीं करनगे पुतिन। तुर्किया दे राष्ट्रपति दे नाल गलबात तों बाद वी जिहड़ा उहनां दा रुख नहीं बदलिया ते उहनां ने कहा कि पहलां उहनां दीआं शर्तां मन्नण पश्चिमी देश। सो रूस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन ने सोमवार नूं तुर्किया दे प्रेजिडेंट रिसेप तैयप एदरोगन दे नाल जिहड़ी मुलाकात की। एदरोगन ने पुतिन नूं ग्लोबल फूड क्राइसिस तों निपटण दे विच जिहड़ी मदद मंगी ते कहा कि रूस पुरानी ग्रेन डील जिहड़ी उह शुरू कर देवे, लेकिन पुतिन ने इस तों जिहड़ा साफ इनकार कहता आ। ते न्यूज़ एजेंसी एपी दे मुताबक रूसी राष्ट्रपति ने एदरोगन नूं कहा कि उह सिर्फ उस सूरत दे विच ग्रेन डील शुरू कर सकदे आ जदों पश्चिमी देश उहनां दीआं शर्तां मन्नण। एदरोगन ने पिछले साल पुतिन तो ग्रेन डील दे लई जिहड़ा उहनां नूं मनाया सीगा ते उदों रूस ने वादा कीता सी कि उह यूक्रेन दे ब्लैक सी यानी काले सागर तों गुजरन वाले कार्गो शिप नूं निशाना नहीं बनाएगा, अफ्रीका दे 6 देशों को अनाज देगा। फिर फूड क्राइसिस जिहड़ा आ वह आने वाले समय के पै सकता है, क्योंकि मैं बार बार तुहानूं दस्सिया कि यह जंग का जिहड़ा असर आ वह आने वाले समय के पता लगेगा 5-10 सालों के। सो एदरोगन दे नाल मुलाकात तो बाद पुतिन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि असी वादा किया कि मिडल ईस्ट ते अफ्रीका नूं रू जिहड़ा रूस फूड प्रोडक्ट्स जिहड़े वो सप्लाई करांगे ते इस वादे ते असी कायम हाँ। रूस ते यूक्रेन गेहूं ते सनफ्लावर ऑयल दे वड्डे सप्लायर आ, खास तौर दे उपर ईस्ट अफ्रीका दे गरीब देशां नूं जो अनाज ते तेल जांदा आ उह ज़्यादातर इन्हें यही वाले देशों तो जिहड़ा उह हुंदा आ। पिछली बारी एदरोगन ने इस डील दे विच अहम भूमिका निभाई सी, लेकिन इस बार जिहड़ा उह पुतिन नूं तुसीं कह लो कि मना नहीं सके। रूस दे इस फैसले दा हर तरफ विरोध हो रहा है। यूएन ने कहा कि इहदे नाल लखां लोकां दे उपर भुख दे नाल मरण का खतरा वध जाएगा। अमेरिका ने इहनूं तानाशाही रवैया करार दिता है ते यूक्रेन दे वलादिमीर जेलेंसकी ने कहा है कि वह दुनिया नूं अनाज सप्लाई करते रहेंगे। सो रूस के फैसले ते एक नज़र, 24 फरवरी 2022 नूं रूस ने यूक्रेन के उपर हमला किया, दोनों देशों दे विच जंग शुरू हुई। यूक्रेन फूड सप्लाई के मामले दे विच दुनिया च अब्बल जिहड़े देश आ पहले दूजे तीजे उन्हां चों इक आ। ब्लैक सी तों गुजरन वाली उन्हां दी ग्रेन शिप जिहड़ी और रूस के हमलों के खतरे करके जोड़े वो उन्होंने हुण रोकती आ। सो हुण सप्लाई ते चेन जिहड़ी उहदे उपर असर पएगा ते देखो आने वाले समय के जोड़ा वह की होएगा। सो यूएन के सामने वड्डी दिक्कत यह आ रही है कि अफ्रीका दे विच डिमांड ते सप्लाई नूं पूरा करना औखा आ। इत्थे पहलां ही जिहड़ी वो गरीबी बहुत आ ते कई देश सिविल वार दे नाल जूझ रहे आ। गेहूं ते मक्का यूक्रेन तो इन्हां देशां दे विच सप्लाई हुंदा सी। रूस ने सोमवार नूं जिवें ही डील खत्म कीती इंटरनेशनल मार्केट दे विच इहदी कीमत 3% वध गई। ग्लोबल ट्रेड दे एक्सपोर्ट सिमोन एमनेट ने जिहड़ा कहा आ रूस ने एक तरह दे नाल दुनिया नूं ब्लैकमेल करन दी चाल चली आ। यूक्रेन दा अनाज बाकी देशां दी तुलना दे विच काफ़ी सस्ता आ ते वो यूएन दे प्रोग्राम दे तहत चलदा आ। हालांकि अगर दुनिया एकजुट होवे काफ़ी हद तक इहदा असर घट किया जा सकता आ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लमां तां जिहड़ियां उह तुहानूं पता आणगियां ही जदों इन्ना अनाज ही एक मुल्क तों बंद हो जाएगा। सो इहदे उपर तुसीं जियो पोलिटिक्स जां फिर होर सारियां चीज़ां पढ़ते रहो, तुहानूं जिहड़ियां नज़र खबरां उह पता लगदियां रहणगियां।